हेलो फूडी, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। जब अचानक से कोई आपके घर पे मेहमान आए तो घबराइए मत, फटाक से बनाइए ये मसाला वेज पुलाव जो बहुत ही क्विक एंड इजी है। तो चलिए ये सुपर डिलीशियस डिश हम बनाना शुरू करते हैं। मसाला वेज पुलाव के लिए हम लेंगे 1 कप भर के बासमती राइस। इसे अच्छे से 2-3 बार वॉश करके फिर आधा घंटा हम इसे सोक करने रख देते हैं। तपेले में मैंने पानी गर्म करने रखा था और ये ऑलमोस्ट उबल चुका है पानी, तो अब इसमें हम डालेंगे हमारे सोक किए हुए चावल और इसे 90% हम कुक करेंगे। इसका फ्लेम स्लो करके चलिए चेक करते हैं हमारे चावल कितने कुक हुए हैं। ये ऑलमोस्ट 90% डन है। अब इसे हम छान लेंगे, फिर इसके ऊपर हम रनिंग वाटर डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो स्टॉप हो जाए। चावल हमारे बॉईल होके रेडी हैं। उसके बाद मैंने रेडी करके रखा है थोड़े से फूल गोभी के पीसेस, तो ये मैंने बड़े बड़े पीसेस इसके काट के रेडी रखे हैं। थोड़े से लिए हरे मटर, आलू लिया है मीडियम साइज का, बड़ी साइज में काट के रेडी करके रखा है, और थोड़े लिए हैं मैंने गाजर के टुकड़े। अब इसे हम कुकर में 1 सीटी बजा के रेडी करते हैं। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए हम इसकी 1 ही सीटी बजाएंगे। बाकी का ये पुलाव के साथ धीरे धीरे अपने आप पक जाएगा। ये लीजिए, सब्जी हमारी बॉईल होके रेडी है। अब इसमें से हम एक्स्ट्रा पानी टोटली निकाल लेंगे और इसे छान लेंगे। उसी के साथ साथ मैंने रेडी करके रखे हैं थोड़े से रेड बेल पेपर, थोड़े से येलो बेल पेपर, थोड़े से पनीर के पीसेस लिए हैं, एक टोमेटो लिया है उसके मैंने बड़े टुकड़े करके रेडी रखे हैं, एक मीडियम साइज का ऑनियन लिया है उसके स्लाइसेस करके रेडी रखे हैं, और यहाँ पे लिया है कैप्सिकम उसके भी बड़े टुकड़े करके रेडी रखे हैं, और थोड़े से लिए हैं करी लीव्स। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करने रखते हैं, करीबन 2 बड़ी चम्मच। उसी के साथ अब ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच बटर। अगर आपको बटर नहीं पसंद है तो आप सिर्फ ऑयल में बनाइए, लेकिन बटर में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। जैसे ही ऑयल और बटर गर्म हो जाता है उसमें ऐड करेंगे हम 1 छोटी चम्मच भर के जीरा, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे हींग, करी लीव्स इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे इसमें हम प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भुनेंगे। प्याज के साथ ही में इसमें हम डाल देंगे कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और टोमेटोज भी, और इसे अच्छे से हम कुक करेंगे। जैसे ही वेजीज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है इसमें हम डालेंगे हमारी बॉईल की हुई वेजीज, और अब इसमें बारी बारी से सब हम मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ऐसे सब जगह डालेंगे। 2 छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें हम नमक, और ऐड करेंगे इसमें हम 2 बड़ी चम्मच भर के दही। इसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच भर के लहसुन का चटनी, और लहसुन का चटनी जो है उसे पानी में मैं अच्छे से घोल के फिर इसमें मैं डालूंगी। और आपको अगर तीखा कम पसंद है तो आप इसका जो प्रोपोर्शन है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, गरम मसाले का, लाल मिर्ची का। लेकिन अगर आपको मीडियम स्पाइसी खाना है तो ये मेजरमेंट लीजिए, और एक्सेस स्पाइसीनेस चाहिए आपको पुलाव में तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। मैंने मेल्ट करके लहसुन का चटनी डाल दिया है, अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। एक आध मिनट के लिए हमें ऐसे मिक्स करना है सब कुछ, ताकि जो हमने मसाले अभी इसमें डाले वो वेजीज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ऐड करेंगे इसमें हम राइस और पनीर जो मैंने साइड में रखा था वो भी अब इसमें मैं डाल देती हूँ।
हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिए। अच्छे से सब कुछ मिक्स करने के बाद हम इसे लास्ट में फाइनली ओनली एंड ओनली 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके कुक करेंगे, ताकि इसमें जो भी मसाले हैं वो राइस के साथ, वेजीज के साथ अच्छे से मिलजुल जाए और बहुत ही टेस्टी बने हमारा पुलाव। और इन केस अगर हमारे चावल थोड़े से कच्चे हैं, वेजीज थोड़ी सी कच्ची है, तो अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए ढक्कन करते हैं बंद और 5 मिनट इसको आराम से होने देते हैं, मीडियम टू लो और लो टू मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं हमारा मसाला पुलाव। वाओ, देखिए मैं आपको ये नजदीक से दिखाती हूँ कैसे बने हैं। यम। अब गार्निश करेंगे इसे हम धनिया के साथ और ट्रांसफर करेंगे हम सर्विंग प्लेट में। एक बार लास्ट टाइम में हिला देती हूँ, धनिया डाला है इसीलिए। बस दैट्स इट। तो ये लीजिए फूडीज, हमारा मसाला वेज पुलाव बनके रेडी है। परोसे इसे रायते के साथ। होप आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी हो। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, से हेल्दी, से हैप्पी एंड बाय बाय।